हाय एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस तो केवीएस 2023 का फ्रेश एडवर्टीजमेंट जो नोटिस है वो जारी हो चुका है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ केवीएस के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें आपको पीआरटी हो गया टीजीटी हो गया पी हो गया नॉन टीचिंग सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज इवन बहुत ही लंबी चौड़ी पीडीएफ है 260 से 300 के बीच में ये पीडीएफ है हर एक स्टेट का निकला है हर एक स्टेट से हर एक स्कूल्स में जो पीजीटी का हो गया टीजीटी का हो गया असिस्टेंट ए हो गया सभी का निकला हुआ है ठीक है हम इसमें बात करने वाले हैं कि कब से इसका आवेदन होगा सारी डिटेल्स आपको मेरी इसी वीडियो में मिलेगी और एक चीज़ और अच्छी है कि जितने लोग बी किए हैं डी किए हैं जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि के का नोटिस कब तक देखने को मिलेगा पीआर टी टी पी सी की फिर से वैकेंसीज कब से देखने को मिलेंगी तो वो भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको अपडेट मिलता रहेगा क्योंकि फिलहाल में ये नोटिस आई है और आवेदन भी बहुत जल्द जो है होंगे तो सब कुछ इसी मैं आपको बताती रहूंगी बिकॉज बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कब वैकेंसी आई और कब चली गई ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर हम जो है KBS, मैं एक एक चीज आपको दिखा रही हूँ सो देट आप खुद भी अपने फोन में कर सकें क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है एक एक चीज पढ़कर बता पाना तो यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप साइट में ही रखिएगा और यहाँ से आप जो है सबसे पहला जो लिंक है आप उस पर क्लिक कर देना ठीक है और ये जो ऊपर आ रहा है इसको आप ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा और एक बार देख लेना कि आपका डेस्कटॉप साइट में है या नहीं ओके चलिए अब फिर सबसे नीचे आ जाइएगा नोटिस ये देखिए 30 जून तक जितनी भी वैकेंसीज मिली हैं इनको इन लोगों ने सब कुछ अपडेट कर दिया है 30 जून 2023 तक और ये अभी अनाउंसमेंट वाले में ही आपको दिखेगा 16 जुलाई को ही आया है ये ठीक है टेंटेटिव वैकेंसीज है टेंटेटिव का मतलब आप जानते ही हैं बढ़ना कम होना यही होता है तो ये 30 छः 2023 तक का है इसमें अभी मैंने एक डेट बता दिया ना तीस छः मतलब कि तीस तक जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं वो सभी बताए गए बाकी आगे भी अपडेट होगा तो चलो इस पर क्लिक करके इस पी को देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस पर क्लिक करने के बाद से आपको ये ये देखिए 6.91 पॉइंट का है इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन ऑफ टीचिंग स्टाफ अप टू पीजीटी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अप टू एएसओ मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों का निकला है अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये क्या है आपका टेंटेटिव है क्योंकि 30 जून तक का ही है तीस जून तक का ही सारी वैकेंसीज के अपडेट हैं अब इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए रीज़न देखिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि ऑल स्टेट में निकलेगा अहमदाबाद है ये पूरा अहमदाबाद का है और यहाँ पर सेक्शन नेम दिया गया है और यहाँ पर पोस्ट कोड है अगर मैं आप जैसे कि आप टीचिंग वाले ज़्यादा हैं स्टूडेंट मेरे पास तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आप देखो पीजीटी का है ठीक है सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है बायोलॉजी तो ये पीडीएफ जो है आप खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हो अदरवाइज टेलीग्राम पे कल वाली पीडीएफ जो बाल वाटिका का है और ये वाली पीडीएफ दोनों आपको शाम तक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि केवीएस वी बाल वाटिका में भी वैकेंसीज आई है वो जो कि मैंने आप कल वाली वीडियो में बताया हुआ है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है क्योंकि आपके घर के ही आस पास के के स्कूल में आपको मिल जाएगा बट वो जो है आपका जो है टेम्प्ररी है मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ठीक है अब यहाँ पर देखिए पीजीटी आपका केमिस्ट्री होगा एक मैं बता देती हूँ पीजीटी आपका जियोलॉजी हो गया पी मैथ्स है पीजीटी फिज़िक्स है ठीक है प्राइमरी टीचर का भी है तो प्राइमरी टीचर में तो आप जानते ही हैं कोई सब्जेक्ट होता नहीं है फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए टी का बायोलॉजी है टी हिंदी है टी मैथ्स है टी वाले में ना बी वाले अप्लाई कर सकते हैं और पी में तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है हेड मास्टर का भी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी है फिर प्राइमरी टीचर है तो ये आप पूरा आपको ये अहमदाबाद की पूरी लिस्ट आई है पूरे सब्जेक्ट हैं पर देखिए, आप देख सकते होंगे कंप्यूटर, हिंदी हिस्ट्री तो दो पर आप देखिए 230 मतलब 230 इतनी पेज की क्योंकि यहां पर देखिए ना अहमदाबाद का है बड़ौदा का है फिर, बरो, फिर यहां पर नीचे भुज का है तो गुजरात की ये पूरी वैकेंसीज है यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे एक एक स्टेट का दिखा सकूँ ये देखिए यहाँ से बैंगलुरु का है ये देखिए ये आपकी बैंगलुरु का है बैंगलुरु का है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री का हो गया और हर जगह आपको पीआरटी का भी मिलेगा टीजीटी का मिलेगा पीजीटी का मिलेगा ए का मिलेगा ठीक है ये आपका बैंगलुरु हो गया और नीचे देख लेते हैं फिर अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बताती हूँ एलिजिबिलिटी देखिए ये देखिए आपका भोपाल का है ये आपका भोपाल का है एंड अगर मैं आपको भोपाल के बाद से लेके कर चलूँ इन्होंने भोपाल के डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिया ये आपका भुवनेश्वर का है ठीक है तो जो भुवनेश्वर उड़ीसा के आसपास के लोग होंगे उनका है ये और एक और देखते हैं मुंबई का है ये देखिए मुंबई का भी है कोलकाता का है यहाँ पर देखिए कोलकाता है और सभी में आएंगे पी पी जी पीआरटी पी जी टी सब्जेक्ट वाइज निकला है और यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल्स दी गई हैं ठीक है और एक बार देख लीजिए ये कोलकाता होगा चंडीगढ़ का है ठीक है चंडीगढ़ का है देहरादून का है यहाँ पर देखिए देहरादून का है और यहाँ पर आपको ये देखिए देहरादून का स्टेशन नेम भी दिया गया है और यहाँ पर पोस्ट नेम दिया गया है सेम ऐसे यहाँ पे हरिद्वार ट्रेंड टीजीटी टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर और टें टेंटेटिव वैकेंसीज हैं ये अभी आगे बढ़ेंगी भी दिल्ली का है गुवाहाटी का हो गया और एक बार देख लेते कितना है गुवाहाटी हो गया उसके बाद से हैदराबाद हो गया हैदराबाद के बाद से आप मुझे बताइए कि आप किस स्टेट के हैं और क्या यहाँ पर जो भी नाम दिख रहे हैं वो आपके वहाँ पर है कि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं या नहीं ठीक है हैदराबाद हो गया जयपुर हो गया जबलपुर हो गया ये देखिए जबल जबलपुर हो गया जबलपुर के बाद से आपका जयपुर हो गया अभी मैंने आपको बताया है जब उसके बाद से जम्मू कश्मीर हो गई जम्मू का भी हो गया एंड लखनऊ ठीक है ये आपका लखनऊ का हो गया तो यहां पर आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ में आप इतना अभी तो मैंने 145 ही देखा है चेन्नई हो गया तो कुल मिलाकर आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपके हर एक स्टेट में जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अगर मान लीजिए आप चेन्नई से हैं या फिर अगर मैं आपको एक लखनऊ का दिखाना चाहूं यहां देखिए लखनऊ में भी ऐसे है जैसे कि आपको पता होगा ना कि लखनऊ में यहाँ पर देखिए हर एक स्टेशन श्रावस्ती है सीतापुर है आसपास के जितने भी जिले होंगे उन्नाव हो गया यहाँ पर देखिए फिर यहाँ से चेन्नई का स्टार्ट हो जा रहा है तो शाहजहाँपुर रायबरेली हो गया ठीक है शिवगढ़ हो गया ये सब लखनऊ का है लखनऊ के आसपास जो आप जानते हैं अकबरपुर होता है पीलीभीत है रायबरेली है लखीमपुर खीरी है कानपुर है यहाँ पर देखिए हरदोई है फतेहगढ़ है फैज़ाबाद है बरेली है ठीक है तो ये सारी वैकेंसीज आपको हर एक जगह मिलेगी ठीक है तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि वैकेंसीज के बारे में अपडेट आना शुरू हो चुका है अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है तो वो ध्यान से सुनिए प्राथमिक की एलिजिबिलिटी है आपका बी एड डीएलएड ये आप जानते ही हैं, वो तो सभी को ही जानता है कि इसमें सभी को मौका मिल जाता है बट टी के लिए तौर पर आपका बी होना जरूरी है ठीक है तो जो डीएलएड वाले हैं जो बीटीसी वाले हैं वो टीजीटी टी की वैकेंसी में नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बीएड चाहिए होता है अभी फिलहाल जो वैकेंसीज आई है और पीजीटी के लिए आपका जो एमए है या फिर एमएससी है पीजी जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और रही बात एज की तो अभी एज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है बट जो पिछली वैकेंसीज थी उसमें जितना एज था उतना ही होगा और आप जानते ही हो सैलरी आपको तो सभी को पता है ये चालीस पैंतालीस हज़ार के आसपास ही होता है अगर मैं पीआरटी की बात करूँ अब रही बात आवेदन का तो देखिए ये तीस जून तक जितनी भी खाली पदे थे उन सभी का विवरण है बहुत जल्द आपको इस वैकेंसीज़ के बारे में जो है एक फुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा सबसे अच्छी बात क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आने शुरू हो चुके हैं तो बी एड डीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको एक बार और मौका मिलेगा इसमें वैकेंसीज कैसे फुलफिल होगा तो वो ध्यान से सुनिए आपको बताया कि अभी अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि अभी तो पुराना वाला पी ही नहीं क्लियर हो पाया तो जी हां क्योंकि केस की वजह से नहीं हो पाया है बी को रखना है पी में कि नहीं रखना है इस वजह से ये रिलीज नहीं कर रहे हैं तो ये तो हो ही जाएगा एग्जाम तो हो ही चुका है बस रिजल्ट ही तो आना है अब ये जो ये वाली जो वैकेंसी है ये आपको फ्रेश देखने को मिल सकती है कि और इसमें कुछ प्रमोशन के माध्यम से होगा एलडीसी होगा तो सब कुछ इसमें मिक्स होता है तो फ्रेश एडवर्टीजमेंट भी होगा देखा होगा तो आप में से से लोगों का क्वेश्चन होगा कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे तो देखिए इसका आवेदन जो है अभी आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो पुराना वाला रुका है उसके बाद से ही आपको देखने को मिलेगा तो इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको एक चीज तो सीखनी ही चाहिए कि अब आपको अपनी तैयारी में लगे रहना है क्योंकि नौकरियां तो आएंगी और सिलेक्शन भी उसी का होगा जो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है फिलहाल ये ऑफिशियल नोटिस था इससे आपको एक भरोसा भी होगा कि आने वाले समय में आपको केवीएस की दोबारा से वैकेंसी देखने को मिलेगी वो भी हर एक पोस्ट पे और आप जानते ही हैं हर एक स्टेट में ठीक है तो फिलहाल अभी ये नोटिस आई है जैसे ही इसके, इसके बारे में एडवर्टीजमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग